पर ये 2380 करोड़ रुपए की लागत से 6.5 किलोमीटर लंबी दो तरफा आवागमन वाली झिरमौर सुरंग का निर्माण दिसंबर 2023 कह रही है, पर ये अभी जल्दी ही पूरा करने का काम करेंगे। 5.5 किलोमीटर के अप्रोच रोड, दो बड़े पुल तथा एक छोटे पुल का निर्माण हो रहा है और 6.5 किलोमीटर लंबी एस्केप टनल का भी कार्य पूरा हो गया है। 575 मीटर लंबी वेंटिलेशन सुरंग का निर्माण भी पूरा हो गया है। आपने देखा होगा वेंटिलेशन के लिए बीच में जगह है और पूरा ऊपर से जो शाफ्ट है उससे वो हवा का कंट्रोलिंग टनल के अंदर होता है। 575 मीटर लंबा वेंटिलेशन सुरंग का भी निर्माण पूरा हुआ। इसका टनल का काम करीब 65-70% पूरा हुआ है, जल्दी पूरा हो जाएगा। इससे गुलमर्ग से सोनबर्ग तक का सफर आधा हो जाएगा और झिरमौर सुरंग निर्माण से श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच पूरा ऑल सीजन रोड बन जाएगा। चोजिला एवं झिरमौर को जोड़ने के लिए जो नीलग्रार में दो सुरंग मार्ग का निर्माण हो रहा है, जिसमें अभी गए थे इसके पहले, जिसमें 872 मीटर के सुरंग मार्ग में 185 मीटर का काम मुझे लगता है 2-3-4 महीने में वो पूरा हो जाएगा। झिरमौर टनल है, सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि इसकी अगर हम जियोग्राफिकल प्लस डिफेंस प्लस टूरिज्म इम्पोर्टेंस देखें, यहाँ से उस पार और एक एरिया इलाका है जो लद्दाख रीजन है, जो कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़ता है। आपको भी पता है ऊपर से, इसके ऊपर से झिरमौर पास है जो ऑलमोस्ट 6 महीने तक बंद रहता है। तो ये टनल जो है इसका इम्पोर्टेंस है कि ये वो 6 महीने का जो बंद रहना है उसको 12 मंथ्स कनेक्टिविटी देगा लद्दाख को। नॉट ओनली टूरिज्म का जो है बढ़ावा होगा, प्लस साथ ही साथ वहाँ के जो लोग हैं लद्दाख के लोग, उनका आवन जावन जो है 12 मंथ्स रहेगा। प्लस साथ ही साथ दो कंट्रीज़ है वहाँ पर जो चाइना और पाकिस्तान है, उनके बॉर्डर्स जो है, लाइक बॉर्डर्स इम्पोर्टेंस डिफेंस इम्पोर्टेंस इस रोड की है, इस टनल की है।